जैकलिन फर्नांडस मुजरिम सुकेश चंद्रशेखर के साथ ताल्लुकात जोड़ना चाहती हैं। जैकलिन सुकेश को अपनी जिंदगी का राजकुमार बनाना चाहती है, जो 200 करोड़ रुपए की ठगी कर चुके हैं। वैसे तो जैकलिन सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में रहती है। हाल ही में जैकलिन और सुकेश की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसने सोशल मीडिया पर सनसनी फैला दी है। खबरों के मुताबिक जैकलिन ने सुकेश के साथ शादी का दावा किया है। जैकलिन सुकेश को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहती है, लेकिन आपको बताते चलें कि जैकलिन को सुकेश के सारे काले धंधों के बारे में पता भी चल गया था, लेकिन वो फिर भी शादी करने के लिए बेकरार थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जैकलिन ने सलमान खान और अक्षय कुमार से शादी का कहा था। हालांकि इन दोनों एक्टरों ने जैकलिन को सुकेश के बारे में आगाह भी किया था। सुकेश और जैकलिन के खिलाफ जज कर रहे एक शख्स ने खुलासा किया, जैकलिन को सुकेश से दूर रहने की भी सलाह दी थी, लेकिन फिर भी इसने सुकेश से मिलना जारी रखा और सुकेश से महंगे महंगे तोहफे लेती रही। लेकिन जैसे ही जैकलिन को सुकेश के बारे में पता चला तो इन्होंने सुकेश से दूरी बना ली और उससे मिलना ही छोड़ दिया। आपको बताते चले कि जैकलिन से इस हवाले से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने जैकलिन से सुकेश के बारे में 8 घंटों तक पूछताछ की। पूछताछ दौरान जैकलिन ने बताया कि वो 6 माह से सुकेश के साथ रह रही है, लेकिन जैकलिन ने कहा कि वो इनके काले धंधों के बारे में नहीं जानती थी। हालांकि सुकेश ने 200 करोड़ रुपए की ठगी भी की थी। ये सारी बातें जैकलिन जानती थी। अब तक जैकलिन यही कहती आ रही थी कि उन्हें सुकेश के बारे में कुछ भी नहीं पता। इस केस में पुलिस और पीटी को बहुत मेहनत करनी पड़ी है, तब जाकर ये सारी बातें सामने आई हैं। लेकिन फिलहाल आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए और ऐसी अपडेट्स को जानने के लिए हिस्टोरिकल टाइम को सब्सक्राइब कीजिए।